वैसे भारत में चाहे कोई भी मौका हो, सुख का, दुख का, उत्सव का या फिर हो सिनेमा, सब कुछ ही संगीत के बिना बिल्कुल अधूरा है। एंड यही तो हमारे शो में भी है। चाहे कैसा भी माहौल हो, गाना म्यूजिक तो बनता ही बनता है। और आज हमारे शो में चार चांद लगाने के लिए एक ऐसे ही मेहमान आने वाले हैं जिन्होंने अपने टैलेंट से, अपनी बेमिसाल आवाज से, अपनी खूबसूरत मुस्कान से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे टैलेंटेड सिंगर के बारे में जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। मैं बात कर रही हूँ दिवाकर शर्मा की। तेरी गलियां गलियां, तेरी गलियां मन के मोती रखियो तू संभाले। हेलो दिवाकर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, आपको पता है, अब जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे क्या पूछूं, तो मुझे लगा कि कुछ पूछने से बेहतर ऐसा नहीं है कि आप कुछ गाकर सुनाएं। ऑफ कोर्स, दैट्स मतलब आप पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, नहीं, तो मैं पूछ भी करेंगे, लेकिन चलिए आप दर्शकों का स्वागत कीजिए अपनी मधुर आवाज से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज धर्म जी का बर्थडे भी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ उन्हीं के एक गाने से जो मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, एंड इट्स आई थिंक इट्स अल्ट्रा रोमांटिक मेरे हिसाब से। तो मेरा फेवरेट है। ओके, सत्या खुश हो गई। सब खुश हो गए। सब खुश हो गए। तो ये मेरा फेवरेट गाना जो बहुत खूबसूरत भी है, इट्स एवरग्रीन एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई विल सिंग फॉर यू। सिवा यही रह रहे हैं अपनी आवाज के साथ। ये बताइए कि वो आप तो एकेडमिक्स में भी बेहद स्ट्रॉन्ग रहे हैं ना, लेकिन जब करियर चूज करना था तो क्या था वो मोटिवेशन कि आपको लगा कि नो, दिस इज व्हाट माय कॉलिंग इज और म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी। मैं जैसा कि काफी लोग जानते हैं, लेकिन मैं ऑफकोर्स शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग की डीपीएसआर के परम से, तो वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि इट्स द एटमॉस्फेयर इज सच काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर यू गॉट टू डू एवरीथिंग। आपको पढ़ाई भी करनी होती है अच्छे से, एंड यू हैव गॉट टू कीप अप विद योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब कुछ। तो वो सब
मतलब एक प्रैक्टिस भी हो जाती है कि दोनों को बैलेंस करना. लेकिन आई रियलाइज्ड कि लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि सबसे जो हमारी स्पेशल बात है इंडिया की या कहीं की भी स्पेशल बात यह है कि अगर देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो एग्जाम्स हर कोई देता है, स्टडीज हर कोई करता है. यू आर जस्ट यू पार्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किड्स हु आर गिविंग द एग्जाम्स. तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे सबसे अलग भी करती है और जो मुझे जिससे मैं अपने आप को अंदर से अपने दिल से एक्सप्रेस कर सकता हूँ. इट कुड बी, इट कुड हैव बीन स्पोर्ट्स, इट कुड हैव बीन एनीथिंग एल्स, लेकिन मेरे लिए इट वाज म्यूजिक. तो मैंने जो अपनी एबिलिटी को, जो सबसे ज्यादा जिसमें एबिलिटी थी उसको आगे परस्यू किया एंड आई वेंट अलोंग विद दैट. दैट वाज द मेन मोटिवेशन. पता है अधिवाकर, I still remember सारेगामा पाल चैंप्स एंड मैंने आपको देखा था एंड वो दिन था है और आज का दिन यू आर हेयर इन फ्रंट ऑफ अस. तो मेरा एक ड्रीम था कि कभी मौका मिलेगा इनसे मिलने का, कभी ये कुछ गा के सुनाएंगे हमें, और मुझे लगता है आज वो दिन, वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है यहाँ पर. सो कुछ और सुनते हैं ना सत्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली. तो अभी आप हमें नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनाएंगे? एक और धर्म जी का, बट दैट्स आल्सो मतलब बहुत खूबसूरत गाना है. कोई धर्म जी को बता दो, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. यस ऑफ कोर्स, उनकी बर्थडे ही, और बर्थडे हम मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन मैंने खुद के लिए भी शुरू किया है. ईव भी और बर्थडे भी 12 सितंबर, इजंट इट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, नाइस. सब पता है हमें, सब पता है. एग्जैक्टली, इट्स सो ब्यूटीफुल. तो ये कुछ, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है, बट इसकी कुछ लाइनें आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. सो ओके, अगर हम बात करते हैं आपकी जर्नी की, अभी जैसे हमने लिटिल चैंप्स का जिक्र किया, तो वहां से लेकर अभी तक की कैसी रही जर्नी? हाउ चैलेंजिंग इट वाज? तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, मतलब इतना आगे आकर एक फेरी टेल जैसा लगता है? फेरी टेल जैसा ही लगता है एक्चुअली, बिकॉज़ मैंने कभी सोचा था कि इतना, मतलब नाम, इतना फेम मिलेगा, प्यार सबसे बड़ी बात है. ये मतलब नॉर्मली हम क्या होता है कि जैसे किसी से भी हम बात करें, हम अंदर से सोचते भी हैं, ये हम अक्सर ये गलती करते हैं कि
there's so much, you know, this far to go. अभी तो बहुत आगे जाना है. ये तो obvious सी बात है, आगे जाना है. लेकिन अगर मैं अपनी पूरी जर्नी देखूँ तो आई एम सो ब्लेस्ड. मतलब मैं रोज़ अपनी किस्मत को, रोज़ यू नो अपने रोज़ सबको एंड ऑफ कोर्स गॉड भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ. बिकॉज अ गाय फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली, एक बिल्कुल मतलब जो जिसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसने शुरुआत की एंड ही वेंट सो यू नो डिड सो वेल सो फार. इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. लोगों ने ब्लेस भी किया, हर कदम पे ब्लेस किया. एंड एंड ये कह सकते हैं कि मैं सबके सामने बड़ा ही हुआ. लिटिल चैंप्स में आई वाज इन माय प्री टीन्स. उसके बाद यहाँ मतलब चैनल्स पे, और जब मैं लोग मेरे को देखते भी थे तो मुझे बड़ा होते हुए देखते थे कि ओह अब इतना बड़ा हो गया, अब लिटिल चैंप बिग चैंप बन गए. तो चलते चलते एक लाइन कौन सी हमारे दर्शकों को सुनाते हुए उन्हें अलविदा करेंगे? ओके, एक और एक अल्ट्रा रोमांटिक सॉन्ग से हम इसको करेंगे. क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है एंड आज लगता है ये इतना खुशनुमा मौसम है तो हमें ये गाना ही चाहिए. बिल्कुल, हैप्पी एंटरटेनिंग मॉर्निंग के साथ साथ तो रोमांटिक मॉर्निंग है आज सब लोगों के लिए. एकदम समा बन गया. एक्जेक्टली एक्जेक्टली, बिल्कुल समा बन गया. यस, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है. तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है. तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है. तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है. हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे. हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे. खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे. तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है. तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है. तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है. तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है. आपसे मिलकर, आपसे गाने सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच, इट्स मोस्ट वेलकम. मुझे इतना अच्छा लगा एंड होप टू सी यू वेरी सून. यस, ऑब्वियसली, यस, थैंक यू सो मच फॉर श्योर. थैंक यू सो मच.